वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस आज की क्लास की मैं बात करूंगा तो भाई आज की क्लास में मैंने फिर से एक कोरोलिस एक्सेलरेशन पे बेस पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि भाई सिंपल सा किसका है भाई विटवर्थ क्यूक्रिटन मैकेनिज्म का है मैंने इस पे एक बेस क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन ये है आपके पास क्वेश्चन में क्या गया दिया गया है भाई कि आपके पास जो विटवर्थ क्यूक्रिटन मैकेनिज्म हैस बीन शोन इन फिगर आपको एक फिगर दिया है ये विटवर्थ क्यूक्रिटन मैकेनिज्म का आपके पास फिगर है साथ ही क्या दिया है कि भाई द डायमेंशन ऑफ द लिंक्स आर ओ जो कि क्या है आपके पास क्रैंक है ओ ये वाला ओपी आपके पास क्या है क्रैंक है उसका जो लेंथ दिया है वो कितना है ओ ए इक्वल टू टू आर ये सब दिया है आपको गिवन डाटा में सिंपल सा और क्या दिया है साथ में द क्रैंक दियार वेलासिटी टू पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकेंड ठीक है साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी दिया है ओपी की एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो भाई ओमेगा इक्वल टू तो कितना दिया है आपके पास ओमेगा इक्वल टू टू पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकंड दिया है और इसका जो डायरेक्शन है ना बेटा ये यह यहाँ पर कितना दिया कैसे दिया है आपके पास ये दिया आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपका इसका डायरेक्शन दिया है, सी बात है। और साथ साथ ही आपको क्या दिया है और क्या दिया है एंड एन एंगुलर डी एक्सिलेशन ध्यान देना बेटा यहां पर है ऑफ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किसका लिंक का मतलब मैं इसके अल्फा की बात करूं अल्फा की बात करूं ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी कितनी भाई टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एट दैट एट द इंस्टेंट मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अपन बात करने वाले हैं निकालना क्या है मतलब सिंपल सी बात है अपन निकालने वाले हैं क्या भाई एस पॉइंट का एक्सलेशन विध रिस्पेक्ट टू जी ठीक है ये अपन फाइंड आउट करने वाले हैं सेकंड क्या निकालना है आपके एंगुलर एक्सिलेशन ऑफ लिंक्स ए आर एंड आर एस ए आर और आर एस का अपने को क्या निकालना है एंगुलर एक्सन निकालना है चलो भाई इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले काम करेंगे अपन वही काम करेंगे पहले तो अपन गिवन डाटा लिख लेंगे गिवन गिवन डाटा गीवन डाटा।, गीवन डाटा क्या क्या दिया है लिख लेते हैं ओपी का लेंथ लिया है टू फोर्टी एम एम ये लिख लिया मैंने साथ ही साथ ओ इक्वल टू कितना वन फिफ्टी एम एम ए आर दिया है आपको 165 सिक्सटी mm. फाइव दिया है आपको कितना आर एस हा वही आर एस फोर थर्टी एम एम और क्या दिया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओपी ठीक है भाई ओमेगा ओपी दिया है आपको कितना टू पॉइंट फाइव रेडियन पर सेकेंड ठीक है भाई और क्या दिया है दिया है ना एंगुलर डी एक्सलेशन दिया है अल्फा इक्वल टू दिया है कितना टू रेडियन पर स्क्वायर ठीक है ये आपको कंप्लीट गिवन है ठीक है सिंपल सी बात है और साथ ही साथ फिगर से देखोगे आप फिगर को गौर करोगे तो एक और बात पता चलता है आपके पास क्या कि भाई जो पी पॉइंट है ना ऑन ऑन स्लाइडर है ये जो स्लाइडर है ना बेटा स्लाइडर इस पर पी पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है ना Q पॉइंट वो ये ए बी लिंग की बात करूं या फिर लिंक की बात करूं उस पर है ये Q पॉइंट ठीक है सिंपल सा और क्या है आपको आपको और क्या लिखना है आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेते हैं अपन फाइंड आउट क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं फाइंड आउट क्या क्या करना है सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि अभी एक्सलेशन ऑफ एस फाइंड आउट करना है ठीक है स्लाइडर का आपको एक्सलरेशन निकालना है मतलब ए एस विथ रेस्पेक्ट टू किसकी बात करेंगे जी की बात करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है सेकंड क्या फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड में दो पार्ट है बेटा एक तो आपको निकालना है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ किसका एआर का एआर निकालना है इक्वल टू व्हाट और एक निकालना है अल्फा आरएस हाँ भाई आरएस निकालना है बेटा ठीक है ये आपको फाइंड आउट करना है तो भाई सिंपल सी बात है अब इसके बाद मैं बात करूं तो भाई आपको करना क्या रहता है सिंपल सा एक स्पेस डायग्राम बनाना रहता है इसके बाद का स्टेप क्या रहता है सिंपल सा स्टेप वन क्या रहेगा सिंपल सा भाई आपके पास एक तो स्पेस डायग्राम बनाना रहेगा स्पेस डायग्राम उसके बाद क्या करेंगे अपन स्टेप 2 पे स्टेप 2 पे अपन क्या करने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम और थर्ड स्टेप में मैं बात करूं तो भाई अपन एक्सिलेशन डायग्राम बनाएंगे ठीक है इसके लिए मैं कुछ स्केल लूंगा साथ ही साथ इसके लिए भी मैं मैं कुछ स्केल स्केल लूंगा लूंगा और इसके लिए भी मैं लूंगा। तो मैं डायरेक्ट इसको पे पे बनाता हूं चलो फिर सीट पे चलते हैं अपन किस टाइप का ये बनने वाला है ठीक है चलो बेटा अब इसका ना अपन डायग्राम बनाने वाले हैं अपन सबसे पहले काम करने वाले क्या है भाई कि स्पेस डायग्राम बनाएंगे उसके बाद अपन बनाने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम फिर बनाने वाले हैं एक्सिलेशन डायग्राम अब विद द हेल्प ऑफ द एक्सलेन डायग्राम हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले बात करेंगे स्पेस डायग्राम की तो भाई स्पेस डायग्राम बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ए ओ और इक्वल टू मुझे दिया है कितना ओ इक्वल टू मुझे दिया है ओ इक्वल टू मुझे दिया है यहाँ पर वन फिफ्टी एम एम तो मैं यहाँ पर सिंपल से एक स्केल लूंगा स्पेस डायग्राम के लिए एक स्केल लूंगा और वन फिफ्टी एम एम को मैं मानूंगा कितना भाई सेंटीमीटर ठीक है थ्री सेंटीमीटर मतलब सिंपल सा हुआ कि किन एम एम इक्वल टू कितना हो गया पर डिवाइडेड सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आने वाला है ये ये मेरे पास आ गया 0.02 0.02 सेंटीमीटर ठीक है मतलब 1 एम mm एम को मैं 0.02 सेंटीमीटर से शो करने वाला हूं सिंपल सा ठीक है बेटा चलो तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं वर्टिकल लाइन AO इक्वल टू कितना दिया है मुझे सिंपल सा दिया है इक्वल टू दिया है मेरे पास 150 फिफ्टी एम मतलब 3 सेंटीमीटर का मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा ये 3 सेंटीमीटर का मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाया जिसका ये वाला पॉइंट है आपके पास ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है आपके पास ओ पॉइंट है ठीक है बेटा ये फिक्स लिंक है ये फिक्स लिंक है चलो ठीक है भाई अब अपने को ना ओपी लिंक आपको ना शो करना है इस स्पेस डायग्राम पे तो ओपी इक्वल टू आपको दिया है टू फोर्टी एम एम मतलब मेरे स्केल के हिसाब से वो कितना हो जाएगा मेरे स्केल के हिसाब से टू फोर्टी इंटू जीरो पॉइंट वो बनने वाला है सेंटीमीटर ठीक है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और ये वर्टिकल से फोर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन है ध्यान देना वर्टिकल से फोर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन है तो मैं फोर्टी फाइव डिग्री पर एक लाइन बनाने वाला हूं सिंपल सा फोर्टी फाइव डिग्री पर एक लाइन बनाने वाला हूं जो कितने सेंटीमीटर होने वाला है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर होने वाला है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर होने वाला है मैं फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेता हूं ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा p पॉइंट है सिंपल सा p पॉइंट है ठीक है अब ध्यान देना यहाँ पर p पॉइंट पर ही q पॉइंट है मतलब सिंपल सा q पॉइंट और p पॉइंट एक ही पॉइंट ऐप का है लेकिन जो p पॉइंट है ना बेटा वो स्लाइडर पे है और q पॉइंट किस पर है ab लिंक पर है तो मैं सिंपल से इसी में q पॉइंट है तो p पॉइंट और a पॉइंट को मिला लूंगा तो मुझे एक लिंक मिलेगा जो कि आपके पास ar लिंक हो ab लिंक मिलने वा, होने वाला है ठीक है ab लिंक होने वाला है ए और पी को मिलाते हुए एक लिंक बना रहा हूं जो कि भाई आपके पास ए बी लिंक है मतलब मैं इसकी बात करूं ये ए पॉइंट है और यहाँ पर है बी पॉइंट ठीक है ये ए बी लिंक है तो मैंने यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास जो क्यू है ना वो किस पर है ऑन ए बी लिंक पर है और साथ ही साथ आपको पता है कि भाई पी जो है ऑन स्लाइडर पे है ठीक है यहाँ पर एक स्लाइडर है जिस पे पी पॉइंट है और ये जो स्लाइडर है किस पे स्लाइड करेगा ये ए बी जो लिंक है ना उस पर स्लाइड करेगा ठीक है बेटा ठीक ए आर एक्सटेंड कर दिया simple सा, और ए आर की मैं बात करूं उसके लेंथ की बात करूं 165 सिक्सटी mm फाइव है मतलब मेरे स्केल के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 165 सिक्सटी फाइव इंटू और ये मुझे मिलने वाला है 3.3 सेंटीमीटर ठीक है तो 3.3 सेंटीमीटर पर मैं एक पॉइंट बना दूंगा जो कि मेरा कौन सा पॉइंट होगा आर पॉइंट होगा थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर मैं एक पॉइंट बनाने वाला हूं यहां पास बात करूं ये मेरा कौन सा पॉइंट होने वाला है आर पॉइंट होने वाला है और मैं इस ए आर की बात करूं तो ये ए आर लिंक होने वाला है ठीक है बेटा यहां तक तो क्लियर है चलो भाई आगे बात करते हैं ना अब आगे अपने को एस पॉइंट लोकेट करना है इस स्पेस डायग्राम पे तो मैं एक काम करूंगा एओ के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जिस पर मुझे एस पॉइंट मिलने वाला है ठीक है एस पॉइंट मिलने वाला है जिस पर स्लाइडर स्लाइड slide करेगा सिंपल सा ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर मुझे एस पॉइंट मिलने वाला है ठीक है बेटा और आपको यहां पर यह भी गिवन है कि भाई आपके पास जो एस आर का लेंथ है ना एस आर का लेंथ वो कितना है एसआर का लेंथ आपको 430 थर्टी एम एम दिया गया है और मतलब मेरे स्केल के वो कितना फोर थर्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू मतलब फोर थर्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू मतलब ये मुझे मिलने वाला है 8.6 सेंटीमीटर ठीक है 8.6 सेंटीमीटर तो मैं 8.6 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क बना लूंगा तो मैं आर्क बनाने वाला हूं बेटा मैं सेंटर आर को लूंगा और यहां पर मैं एक आर्क बना दूंगा जो कि भाई इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और यही पॉइंट मेरा क्या होने वाला है सिंपल सा मेरा एस पॉइंट होने वाला है और ये जो एस पॉइंट है ना बेटा ये स्लाइडर पर होगा ठीक है जो कि फिक्स के रेस्पेक्ट पे स्लाइड करेगा सिंपल सी बात फिक्स के रेस्पेक्ट से स्लाइड करेगा और मैं बात करूं इस एस पॉइंट को और आर पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे एक लिंक मिल जाएगा जो कि एस आर

तो जो भाई आपके पास अल्फा का जो डायरेक्शन होगा ना जो ओमेगा का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा मतलब ये रहने वाला किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ठीक है ये आपके पास ओमेगा है और ये आपके पास अल्फा है ठीक है बेटा अल्फा है सिंपल सा ये ए बी लिंक है ये ए आर लिंक है ये एस आर लिंक है और ये आपके पास कौन सा पॉइंट है जी पॉइंट है ठीक है जी पॉइंट है ये ओ पॉइंट ए पॉइंट ए ओ लिंक की बात करूं फिक्स है एओ लिंक की बात करूं तो फिक्स है ठीक है अब आगे बात करते हैं ये तो मैंने बना लिया सिंपल से ये मेरा क्या है स्पेस डायग्राम है ये मेरा क्या है स्पेस डायग्राम स्पेस डायग्राम अब बात करता हूं मैं इसके वेलोसिटी वेलोसिटी डायग्राम डायग्राम की भाई तो के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास जो क्रैंक का ओमेगा कितना है एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं मतलब यहां पर मुझे दिया भी गया ना गिवन डाटा में कि ओमेगा ओपी की बात करता हूं वो कितना है ओमेगा ओपी इक्वल टू तो कितना है टू रेडियन पर सेकेंड ठीक है 2.5 रेडियन पर सेकंड तो यहां से मुझे मैं बात करूं P पॉइंट के वेलोसिटी की तो भाई P पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू O तो वो आराम से निकाल सकता हूं मतलब मैं बात करने वाला हूं क्या भाई V P O की तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा O P इन कैपिटल O कैपिटल P ठीक है और मैं बात करूं तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है ओमेगा ओपी की पता है मुझे टू है 2.5 है 2.5 है into 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 op कितना है आपके पास सिंपल सा op आपको दिया है 240 mm मतलब 0.24 मीटर ठीक है तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिलने वाला है कितना इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिलने वाला है कितना 2.4 into into 0.24 इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 0.6 मीटर पर सेकंड ठीक है 0.6 मीटर पर से मुझे मिलने वाला है इसका मैग्नीट्यूड ठीक है इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो भाई परपेंडिकुलर टू ओपी होने वाला है साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी इसका आ, का डायरेक्शन क्या है काउंटर डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब इसकी जो जो वेलोसिटी वेक्टर की होगा होगा वो किधर परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन पे होगा ठीक है इस डायरेक्शन पे होगा तो मैं यहाँ पर एक सिंपल से स्केल ले लेता हूं मैं सिंपल से स्केल ले लेता हूँ कि भाई आपके पास जो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर है ना स्केल में ले रहा हूं यहाँ पर स्केल वेलोसिटी डायग्राम के लिए जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड है ना इसको मैं ले रहा हूं सिंपल सा सिक्स सेंटीमीटर में ले ले रहा हूं ठीक है मतलब जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड को मैं कितना ले रहा हूं वन सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो मैं बात करूं वन मीटर पर सेकेंड कितना हो गया भाई यहां पर टेन सेंटीमीटर के बराबर हो गया ठीक है बेटा ये मैंने काम कर लिया है चलो भाई अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं तो सबसे पहले भाई वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए अपने को काम क्या करना पड़ता है कि भाई इसमें जो फिक्स पॉइंट है ना उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसको मैं एक 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 पॉइंट पॉइंट के रूप में शो कर लेता हूं तो तो मेरे पास है यहाँ पर फिक्स पॉइंट एक तो o है एक A है पर ओ ए साथ ही साथ जी है तो मैं इसको यहां पर मैं शो कर देता हूं भाई कि भाई ये आपके पास क्या है फिक्स पॉइंट होने वाला है ये वाला पॉइंट मेरा क्या है ओ ए जी स्मॉल लेटर से शो करेंगे बेटा ध्यान देना ना स्मॉल लेटर से अब एक सिंपल सा काम करना है मुझे एक ओपी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है ओपी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है जो कि भाई आपके पास ओ से पास हो वेलोसिटी डायग्राम पे ठीक है तो मैं बना लेता हूं वो डाय वो लाइन ये वाला ठीक है बेटा और इसके लेंथ की बात करूं तो कितना होने वाला है सिक्स सेंटीमीटर होने वाला है तो मैं सिक्स सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेता हूं ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है सिंपल सा पी पॉइंट होने वाला है इस वेक्टर की मैं बात करूं तो ये आपको ये बता रहा है कि भाई पी पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना है सिंपल सा ठीक है आगे बात करते हैं अब आगे बात करते हैं चलो भाई अब मैं बात करूं ध्यान देना यहां पर ए पॉइंट आर क्यू पॉइंट कहां पर है भाई ध्यान देना एबी लिंक पर है ना तो क्यू पॉइंट का यदि मैं वेलोसिटी देखना चाहूं विथ रिस्पेक्ट टू ए तो भाई क्यू पॉइंट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना परपेंडिकुलर टू दिस लिंक होने वाला है एबी लिंक के परपेंडिकुलर होने वाला है तो एबी लिंक के परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाऊंगा जो कि ए से पास हो किस पर वेलोसिटी डायग्राम पर तो मैं यहां पर ए बी लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लेता हूं जो कि ए से पास हो ये वाला लाइन इस वाले लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है ये वाले लाइन पर मुझे मिलने वाला है क्या Q पॉइंट मिलने वाला है अब मैं बात करूं मुझे P पॉइंट पता है तो भाई मैं मान लो की बात करूं Q पॉइंट की स्लाइडिंग वेलोसिटी की या फिर P पॉइंट की स्लाइडिंग वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू Q की बात करूं तो जाहिर से बात है यदि स्लाइडर स्लाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये जो ए बी लिंक है ना बेटा इसी के पैरल होने वाला है मतलब मैं यदि मेरे को को पी पॉइंट पॉइंट पहले से पता है तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये ए बी लिंक के पैरल एक लाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि जो आपके पास पी पॉइंट का जो स्लाइडिंग वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना बेटा वो पैरल टू ए बी होने वाला है और पी पॉइंट पहले से पता है तो क्यू पॉइंट को निकालने के लिए अपने को काम क्या करना पड़ेगा पैरल टू ए बी लिंक अपने को बनाना पड़ेगा किसमें वेलोसिटी डायग्राम पे तो मैं पैरल टू ए बी एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि आपके पास पी से पास हो किसमें वेलोसिटी डायग्राम पे ध्यान देना बेटा कैसे बना रहा हूं मैं ये देखना ये वाला लाइन और इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है क्यू पॉइंट मुझे मिलने वाला है अब ध्यान देना बेटा ये वाले लाइन पर भी मुझे क्यू पॉइंट मिलने वाला है साथ ही साथ ही ये वाले लाइन पर भी मुझे क्यू पॉइंट मिलने वाला है मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू हो, पॉइंट होना पड़ेगा ठीक है और मैं बात करूं इस वेक्टर की ये वाले वेक्टर की तो ये आपको ये बता रहा है कि भाई क्यू पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है ठीक है ये वाला वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं ये इसको शो कर रहा है किसका किसको शो कर रहा है ये q पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a और ये बता रहा है आपको क्या कि भाई q पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू p कितना है ठीक है ये वाला वेक्टर ठीक है बेटा चलो आगे बात करते हैं अब ध्यान देना आपके पास जो r पॉइंट है ना वो ए बी पॉइंट ए बी लिंक की बात करूं या फिर आपके पास ए क्यू लिंक की बात करूं उसी पर है ठीक है ना जाहिर से बात है एक्सटेंडेड पोर्सन है ना भाई ध्यान देना एक्सटेंडेड पोर्सन है R. तो ये ए क्यू लिंक पर ही मेरे पास क्या है R है पॉइंट तो मुझे मान लो की बात यहां पर आर पॉइंट को लोकेट करना है इस वेलोसिटी डायग्राम पे तो मुझे वही खेल खेलना पड़ेगा जो अपन पहले वाले क्वेश्चन में करते थे काम कर लेते हैं कि भाई आपको पता है क्या आपको निकालना है ए आर ठीक ए आर निकालना है अपॉन क्या करता हूं मैं एक य्यू कर लेता हूं एक य्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल आर अपॉन कैपिटल ए कैपिटल क्यू अब मुझे यहां से निकालना है ए आर इक्वल टू कितना आने वाला है तो एक कितना है भाई मैं मेजर कर लेता हूं सिंपल सा एक य्यू को मैं मेजर कर लेता हूं ये वाला पॉइंट बेटा ध्यान देना ना एक क्यू को मैं मेजर कर लेता हूं कितना आने वाला है ये आपके पास आने वाला है फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है 5.8 सेंटीमीटर इन ए आर मुझे पता है कैपिटल ए कैपिटल आर मुझे पता है 165 mm, साथ ही साथ मुझे यह भी पता है कि कैपिटल ए कैपिटल क्यू कितना है है ठीक कैपिटल ए कैपिटल क्यू कितना है कैपिटल ए कैपिटल क्यू कितना है यह भी मुझे पता है कैसे मेजर करके तो यह मुझे मिल रहा है 7.3 पॉइंट थ्री सेंटीमीटर 7.3 सेंटीमीटर मतलब ये कितना एम mm होने वाला है ध्यान देते हैं यहां पर कि भाई यहां पर मैं बात करता हूं वन एम एम इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर तो वन सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो टू वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो टू तो ये मुझे मिलने वाला है फिफ्टी एम एम इक्वल टू फिफ्टी एम एम ठीक है फिफ्टी एम एम तो भाई आपके पास ये कितना सेंटीमीटर है ये है आपके पास 7.3 सेंटीमीटर तो इंटू सेवन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या इसका लेंथ 365 सिक्सटी mm. मतलब ये मेरा जो ए क्यू है ना वो 365 सिक्सटी mm है तो मैं यहां से सिंपल सा मेजर क्या कर सकता हूं ए आर की वैल्यू मेजर कर सकता हूं 165 सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी तो ये मुझे मिल जाएगा टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ठीक है टू पॉइंट सिक्समीटर ठीक है और आर पॉइंट की बात करूं तो ए तो से इस तरफ है तो जाहिर से बात है आपके पास वेलोसिटी डायग्राम पे क्यू पॉइंट इधर है तो आर को इधर होना पड़ेगा टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अपन एक लाइन बना लेते हैं जो कि ए आर होने वाला है ठीक है इसी लाइन को एक्सटेंड करके ये वाला पॉइंट मेरा आर पॉइंट होने वाला है ठीक है बेटा ये वाला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है आर पॉइंट होने वाला है सिंपल सा

आर लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं एसआर लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं जो कि आर से पास हो जो कि आर से पास हो और इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है एस पॉइंट मिलने वाला है इस वाले लाइन पर मुझे एस पॉइंट मिलने वाला है लेकिन जब मैं इसको फिक्स के रेस्पेक्ट में मतलब जी के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो भाई एस पॉइंट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाला है तो सिंपल से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूंगा एक पैरेलल टू दिस लाइन बना लूंगा जहां पर मुझे एस पॉइंट मिलने वाला होगा ठीक है बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसके पैरेलल में एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि भाई आपके पास g पॉइंट से पास होगा मतलब ये वाले पॉइंट से ठीक है भाई और इस पर ही मुझे क्या मिलने वाला है स्मॉल s पॉइंट मिलने वाला है ठीक है अब इसमें भी s पॉइंट मिलेगा साथ ही साथ इस लाइन पे भी s पॉइंट मिलेगा मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको s पॉइंट होना पड़ेगा ठीक है बेटा चलो भाई मैं बात करूं ये वाले वेक्टर की ये वाले वेक्टर की एस आर वैक्टर की ये आपको बता रहा है कि भाई आर के रेस्पेक्ट में एस की वेलोसिटी का वेलोसिटी वै, कितना है ठीक है ये वाला वेक्टर और साथ ही साथ मैं ये वाले वेक्टर की बात करूं तो ये आपको शो कर रहा है कि भाई एस का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जी ये वाला वेक्टर ठीक है तो मैंने यहां पर इसका वेलोसिटी डायग्राम बना लिया है सिंपल सा वेलोसिटी डायग्राम मैंने बना लिया है अब बात करने वाले हैं किसकी एक्सलेशन डायग्राम की बात करने वाले हैं तो एक्सलेशन डायग्राम के लिए सिंपल सा मैं पहले एक टेबल बनाऊंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई कैसे कैसे होने वाला है एक्सलरेशन डायग्राम कैसे बनने वाला है तो मैं एक काम करूंगा यहां पर मैं एक बनाता हूं। टेबल बनाता हूँ टेबल बनाता हूँ और टेबल बनाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट की बात करता हूँ मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि भाई जिस पॉइंट का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में मैं निकालना है उसकी भी बात करने वाला हूं और उसके मैग्नेट्यूड की बात करने वाला हूं साथ ही साथ उसके डायरेक्शन की मैं बात करने वाला हूं ठीक है बेटा डायरेक्शन की भी मैं बात करने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा पी पॉइंट का पी पॉइंट की बात करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ओ की ठीक है तो इसके दो मैग्नेट्यूड हो सकते हैं एक तो हो सकता है आपके पास रेडियल कंपोनेंट ए आर ठीक है और ए आर पीओ की बात करूं ए आर पीओ की बात करूं तो इसका मैग्नेट्यूड होता है अपने पास क्या वी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी कैपिटल ओ ये जो वीपीओ है ना बेटा आपको पता है कितना है 0.6 मीटर पर सेकेंड तो भाई 0.6 पॉइंट सिक्स के स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पीओ कितना पता है आपको 0.24 मीटर तो यहां से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आने वाला है 0.6 स्क्वायर

ध्यान देना मैं कितना ले लू इसको इसको मैं काम करता हूं सिक्स सेंटीमीटर के बराबर ले लेता हूं मतलब वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मैं कितना सेंटीमीटर ले रहा हूं फोर सेंटीमीटर मैं ले रहा हूं मतलब मैं बात करूं कि वन सेंटीमीटर को मैं कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूं तो ध्यान देना वन डिवाइडेड बाई फोर ये ले रहा हूं मैं जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये मैंने इसके ले लिया सिंपल सा अब इसके मैं अब काम करूंगा भाई कि सबसे पहले एक्सेलेशन डायग्राम बनाने के लिए क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं कि फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है तो मुझे दिख रहा है ये ए पॉइंट ओ पॉइंट साथ ही साथ ये जी पॉइंट फिक्स है तो उसको मैं काम करूंगा यहां पर मैं शो कर दूंगा मेरा ये पॉइंट है क्या ओ पॉइंट ए पॉइंट साथ ही साथ जी पॉइंट अब मैं इसके रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो ये पैरल टू पीओ होने वाला है पैरल टू पीओ होने वाला है साथ में इसके सेंस की बात करूं तो टेंस टू होने वाला है मतलब यहां से मैं एक लाइन बनाऊंगा जो ये इधर तरफ जाएगा ठीक है इधर तरफ जाएगा तो मैं एक काम करता हूं इसके पैरल में एक लाइन बना लेता हूं ये वाला लाइन बेटा ध्यान देना और ये कितना सेंटीमीटर होने वाला है सिक्स सेंटीमीटर होने वाला है ठीक है सिक्स सेंटीमीटर होने वाला है ये तो सिक्स सेंटीमीटर का मैं एक लाइन बना लूंगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरा क्या होने वाला है ध्यान देना ये वाला पॉइंट मेरे होने वाला है पी ओ ये इस आपको क्या शो कर रहा है रेडियल कंपोनेंट किसका एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ अब इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की मैं बात करूं एटी की बात करूं करूं की बात इक्वल टू क्या होगा अल्फा इन कैपिटल पी कैपिटल ओ इक्वल टू अल्फा आपको गिवन है है कितना रेडियन पर स्क्वायर इंटू कैपिटल पी कैपिटल ओ वो भी आपको पता है कितना है भाई यहां से मुझे क्या इसका मैग्निट्यूड नहीं पता चल जाएगा बिल्कुल भाई पता चल जाएगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं टू इंटू जीरो पॉइंट टू फोर और ये मुझे मिल रहा है जीरो पॉइंट फोर एट मीटर पर सेकेंड इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर टू क्या होने वाला है पीओ लिंक होने वाला है ठीक है पीओ लिंक होने वाला है सिंपल सी बात ठीक है भाई और जीरो पॉइंट फोर एट मतलब अपने स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर एट इंटू फोर मतलब इसको मैं वन पॉइंट नाइन टू सेंटीमीटर से शो करने वाला हूं ठीक है सेंटीमीटर से शो करने वाला हूं ध्यान देना बेटा ध्यान देना यहां पर कि आपके पास जो ना अल्फा है ना वो किधर है भाई ये है आपके पास क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मतलब जो आपके पास इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूं वो इधर होने वाला है किधर होने वाला है इधर होने वाला है मतलब मैं यहां पर एक्सलरेशन डायग्राम पे बात करूं जो आपके पास इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलेगा वो इधर होने वाला है और इसका मैग्निट्यूड मुझे पता है जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अपने स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा 1.92 सेंटीमीटर तो मैं काम करूंगा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जो कि भाई आपके पास 1.92 सेंटीमीटर होने वाला है ठीक है तो मैं बना लेता हूं 1.92 इसका लेंथ कितना वाले वाला है 1.92 पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है सिंपल सा मेरा P1 पॉइंट होगा स्मॉल P1 ना ठीक है स्मॉल P1 और ये वाले वेक्टर की मैं बात करूं तो ये वाला वेक्टर क्या है भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका पॉइंट P का विथ रेस्पेक्ट टू O का टेंजेंशियल कंपोनेंट है ठीक है अब बात करते हैं आगे ठीक है अब बात करेंगे आगे तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे इसका ना कोरोलिस कंपोनेंट देख लेते हैं भाई कोरोलिस कंपोनेंट किसका आएगा P का आएगा विथ रेस्पेक्ट टू Q ठीक है कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और कंपोनेंट किसका पी का विथ रेस्पेक्ट टू क्यू की बात करने वाले हैं ठीक है भाई इसका खेल खत्म हो गया है अब बात करने वाले पी पॉइंट या फिर पॉइंट का विथ टू पी की बात करने वाले हैं क्योंकि पी वन पॉइंट अपने को पता चल गया है और ये मेरा कौन सा एक्सिलेशन है ये है ठीक ठीक है है सिंपल सा क्यूपी इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है भाई ओमेगा जिस पर ये क्या कर रहा है भाई जो जिस पर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है तो अपने पास कौन सा लिंक है ऐसा ए बी लिंक है इन टू वी स्लाइडिंग वेलोसिटी मतलब सिंपल सी बात है यहां पर बात करूं तो भाई यहां पर क्यूपी वी क्यूपी की बात चल रही है ठीक है ये इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है सिंपल सा तो भाई यहां पर ओमेगा ए बी की बात करूं तो ओमेगा ए बी कैसा निकलेगा ओमेगा ए बी इक्वल टू निकलेगा सिंपल से कैसे कि भाई आपके पास वी ए बी वी ए बी अपॉन कैपिटल ए कैपिटल बी से निकल जाएगा सही बात है या फिर मैं बात करूं वी ए बी इससे निकल जाएगा या फिर कैसे निकल जाएगा सिंपल से मैं यहां पर वेलोसिटी डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो वी क्यू ए अपॉन कैपिटल क्यू कैपिटल ए से भी ये निकल जाएगा तो वी क्यू ए का मुझे वैल्यू पता है भाई कितना है वी क्यू ए तो ये मैं मेजर कर लेता हूं कितना होने वाला है ये? ये आपके पास होने वाला है 5.8 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर इंटू क्या भाई स्केल कितने सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड तो भाई यहां पर इंटू जीरो पॉइंट वन कर दूंगा डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू कैपिटल ए कितना है कैपिटल क्यू कैपिटल ए है आपके पास 365 मिलीमीटर mm, मतलब 0.365 इसको मैं यदि कैलकुलेट कर लूं तो मुझे ओमेगा ए निकल जाएगा 5.8 पॉइंट ए इंटू डिवाइडेड बाय 0.365 तो ये मुझे मिल गया 1.58 रेडियन पर सेकेंड ठीक है ओमेगा ए मुझे मिल गया ठीक है टू इंटू ओमेगा ए कितना है 1.58 और मैं बात करूं क्यूपी की तो क्यूपी से मुझे निकल जाएगा सिंपल से यहां पर कितना है भाई ये है आपके पास कितना सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर 1.75 मतलब इनटू मैं कितना करूंगा 0.1 0.1 यहां से मैं कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन मैं आराम से निकाल सकता हूं 1.58 पॉइंट फाइव एट इंटू टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव फाइव मीटर पर सेकेंड बेटा अब इसके डायरेक्शन की मैं बात करता हूं डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं ध्यान देना यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसका भाई मैं बात कर रहा हूं Q का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P की बात कर रहा हूं ना Q का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P तो यहां पर मुझे गिवन है भाई यहां देखना ध्यान देना q का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू p का डायरेक्शन इस टाइप का है सिंपल सी बात है ना q ये q पॉइंट है और ये क्या है p पॉइंट है आपको ना बेटा q पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू p का डायरेक्शन पता है ये qp इस टाइप का होने वाला है तो भाई इसी को ना अब मैं बात कर रहा हूं किसका भाई कोरोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की भाई तो इसके डायरेक्शन को मुझे रोटेट करना है 90 डिग्री और कैसे रोटेट करना है जो आपके पास जिस पर स्लाइडर स्लाइड हो रहा है ना उसके एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन पर आपको रोटेट करना है तो भाई इसका जो जहां पर 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 स्लाइड किस लिंक लिंक हो हो रहा है, हो रहा है है ए बी इसके एंगुलर वेलोसिटी की की डायरेक्शन मैं बात करूं तो भाई किससे निकलेगा ये वेलोसिटी डायग्राम से निकलने वाला है ध्यान देना बेटा यहां पर Q का विथ रेस्पेक्ट टू O की बात करो तो डायरेक्शन इस टाइप का है मतलब Q पॉइंट यहां पर है विथ रेस्पेक्ट टू A की बात करो तो इसका डायरेक्शन इधर होने वाला है मतलब जाहिर से बात है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बेटा ये कैसा होने वाला है काउंटर क्लॉकवाइज होने वाला है ठीक है काउंटर क्लॉकवाइज होने वाला है सिंपल सा काउंटर क्लॉकवाइज तो मैं इसके डायरेक्शन पे मैं बात कर रहा हूं हूँ की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो भाई ये जो क्यूपी वेलोसिटी जो का डायरेक्शन है इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या सिंपल सा इस कोरोलरेशन का डायरेक्शन ठीक है कोरोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मुझे मिल जाएगा सिंपल सी बात है तो मैं एक काम करूंगा यहां पर ध्यान देना पी क्यू ये मेरा है पी क्यू मेरा ये है इसके परपेंडिकुलर लाइन पर मैं एक परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि P1 से पास होने वाला है जो जहां से मुझे इस कोरोलिस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट मिल जाएगा कोरोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट कम्पोने, कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा ठीक है ठीक है भाई मैं बना लेता हूं PQ के परपेंडिकुलर। पी के परपेंडिकुलर मतलब ये भाई आपके पास ये जो लाइन है ना इसी के परपेंडिकुलर और ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर लाइन बनने वाला है वो किससे पास होगा ये पास होने वाला है P1 पॉइंट से ये वाला ठीक है बेटा इसकी बात कर रहा हूं ये मेरा वेक्टर मिलने वाला है कौन सा कोरोलिस एक्सेलरेशन का वेक्टर मुझे मिलने वाला है इसका लेंथ कितना होगा यहां पर मैग्नीट्यूड पता है 0.55 तो 0.55 पॉइंट फाइव फाइव करूंगा तो मुझे सेंटीमीटर में पता चल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर मुझे बनाना है 2.2 सेंटीमीटर पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है क्यूपी मिलने वाला है ये वाला पॉइंट बेटा ठीक है आगे बात करते हैं अब और बात क्या करेंगे भाई ध्यान देना यहां पर Q पॉइंट की एक्सेलरेशन की ही बात चल रहा हूं रिस्पेक्ट टू P की तो एक और कंपोनेंट मुझे मिलने वाला है जो कि भाई लीनियर एक्सेलरेशन होने वाला है QP का ठीक है QP का लीनियर एक्सेलरेशन मिलने वाला है और इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मुझे नहीं पता अनोन है बट इसका डायरेक्शन मुझे पता है भाई ये क्या होने वाला है पैरल टू क्यूपी होने वाला है पैरल टू क्यूपी होने वाला है ठीक है या मैं बात करूं सिंपल सा जो जिस लाइन पर ये स्लाइड करेगा ना उसी के पैरल होने वाला है मतलब ये ए बी के पैरल होने वाला है ठीक है बेटा तो मैं एक काम करूंगा पैरल टू ए बी एक फिर से लाइन बना दूंगा जो कि ये पॉइंट मेरा क्या था क्यूपी पॉइंट था क्यूपी इसके पैरल हो एबी के पैरल हो साथ ही साथ क्यूपी पॉइंट से पास हो ठीक है क्यूपी पॉइंट से पास हो और ये जो लाइन मुझे मिल रहा है ना बेटा इसी लाइन पर मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है क्यू वन पॉइंट मिलने वाला है इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है क्यू वन पॉइंट मिलने वाला है ठीक है Q1 पॉइंट मिलने वाला है इसका चैप्टर क्लोज ठीक है बेटा अब बात करेंगे अपन किसकी भाई Q पॉइंट की एक्सेलरेशन uh, की बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू A ठीक है Q पॉइंट की एक्सेलरेशन की बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू A मतलब कैसा एक्सेलरेशन A Q ठीक है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे एक तो रेडियल कंपोनेंट होगा ए इक्वल टू क्या होगा वी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू कैपिटल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा वी क्यू ए अपने को पता है भाई कितना सें, कितना है यहां पर इसकी बात करूं तो ये कितना सेंटीमीटर है ये है 5.8 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर मतलब अपने पास कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0.58 मीटर पर सेकेंड 0.58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू मुझे पता है भाई कितना है QA मुझे पता है थ्री सिक्सटी फाइव है ठीक है थ्री सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव ठीक है बेटा तो मैं काम करूंगा इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है स्क्वायर डिवाइडेड बाय और ये मुझे मिलने वाला है कितना जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट नाइन एट मीट सॉरी नाइन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगा क्यूए के पैरल होगा और सेंस की बात करूं तो टेंस टू ए होने वाला है क्यूए के पैरेलल टेंस टू ए होने वाला है ठीक है बेटा चलो भाई तो मैं इसको बना लेता हूं 0.92 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा भाई सॉरी 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब आपके पास कितना सेंटीमीटर 0.92 4 तो ये मुझे 3.6 3.68 सेंटीमीटर बनाना है जो कि पैरेलल टू क्यूए हो ठीक है और साथ ही साथ किधर हो एक ही तरफ हो तो मैं एक लाइन बना लेता हूं यहां पर क्यूवे के पैरल लाइन ये वाला क्यूवे के पैरला लाइन बनेगा और इसके लेंथ की मैं बात करूं तो 3.68 सेंटीमीटर होगा ये वाला पॉइंट मुझे मिलने वाला है ठीक है ये क्या है रेडियल कंपोनेंट है किसका एक्सप्लेन आप क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ए और ये पॉइंट मुझे क्या बनेगा भाई क्यू ए पॉइंट होने वाला है अब इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैं बात करूं एटी एटी क्यू ए की इक्वल टू क्या अल्फा इन टू कैपिटल क्यू वैल्यू मुझे नहीं पता अल्फा मुझे नहीं पता तो ये मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता बट इतना पता है कि भाई ये जो वेक्टर मुझे मिलने वाला है ये परपेंडिकुलर टू क्यू ए होने वाला है तो सिंपल सा इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना दूंगा जहां पर मुझे Q1 पॉइंट मिलने वाला होगा ठीक है इसके परपेंडिकुलर पर मैं एक लाइन बना लेता हूं जहां पर मुझे q1 पॉइंट मिलेगा ठीक है बेटा कहां पर है कौन सा हां जहां पर मुझे q1 पॉइंट मिलेगा अब ध्यान देना बेटा इसमें भी इस वाले लाइन पर भी मुझे q1 पॉइंट मिलेगा साथ ही साथ इस वाले लाइन पर भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही q1 पॉइंट होना चाहिए ठीक है q1 पॉइंट होना चाहिए इस तरीके से मैंने q1 पॉइंट आराम से लोकेट कर लिया ठीक है मैं बात करूं Q1 और A1 को मिला दूंगा तो ये वाला जो आपके पास वेक्टर है यह बता रहा है कि बेटा ये जो Q1 पॉइंट का एक्सेलेशन विथ रेस्पेक्ट टू A पॉइंट ठीक है Q पॉइंट का एक्सिलेरेशन विथ रेस्पेक्ट टू A ये बता रहा है ठीक है और मैं यहां पर P1 और Q1 को मिला दूंगा तो ये आपको बता रहा है कि भाई आपके पास P1 पॉइंट का एक्सिलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू Q या p पॉइंट का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू q ये शो कर रहा है ये वाला वेक्टर ठीक है बेटा चलो आगे बात करते हैं ध्यान देना अब r r1 को लोकेट करना है इस एक्सीलरेशन डायग्राम में तो सिंपल से अपना एक फंडा होता है अपने को जानते ही हैं मैं काम करूंगा आपके पास जो q1 a1 अपॉन एक काम करूंगा r1 a1 इक्वल टू क्या कैपिटल q कैपिटल a अपॉन कैपिटल आर कैपिटल ए यहां से मैं आराम से निकाल लूंगा क्या भाई आर वन ए वन इक्वल टू क्या क्यू वन ए वन इंटू कैपिटल आर कैपिटल ए अपॉन कैपिटल क्यू कैपिटल कहां से मैं निकालूंगा यहां से निकाल लूंगा क्यू वन ए वन का लेंथ कितना है तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि भाई ये फोर सेंटीमीटर है ठीक है ये फोर सेंटीमीटर है तो फोर इंटू आर ए की वैल्यू मुझे पता है ए आर की वैल्यू वन सिक्सटी फाइव mm, एम एम ठीक है अपॉन क्यू ए की वैल्यू मुझे पता है कितना भाई 365 mm, से मेरा से R1, A1 निकल जाएगा. तो वन सिक्सटी फाइव अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव इंटू फोर तो ये मुझे मिल गया वन पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है तो मैं एक काम करूंगा Q1 A1 जो लाइन है ना इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा कहां तक 1.8 सेंटीमीटर तक वहां पर मुझे क्या मिल जाएगा R1 पॉइंट मिल जाएगा ठीक है बेटा R1 पॉइंट मिल जाएगा ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर और पॉइंट एट ना तो यहां तक आ जाएगा बेटा ये वाला पॉइंट मुझे क्या मिलने वाला है ये वाला पॉइंट मुझे आर वन पॉइंट मिलने वाला है ये मेरा आर वन पॉइंट है ठीक है बेटा आर वन पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया ठीक है आर वन पॉइंट लोकेट कर लिया तो भाई एक ही पॉइंट बचा है अब क्या आपका एस पॉइंट ठीक है तो एस वन पॉइंट आपको लोकेट करना है तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा सबसे पहले काम करते हैं कि भाई आपके पास जो एस पॉइंट का एक्सिलेशन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर क्योंकि आर वन पॉइंट अपन ने लोकेट कर लिया है सिंपल सा तो मतलब मुझे कौन सा एक्सीलरेशन मिलने वाला है ए एस आर इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं एक तो रेडियल कंपोनेंट होने वाला है ए आर एस आर इक्वल टू क्या होगा वी एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एस कैपिटल आर और वी एस आर की बात करूं तो मुझे यहां से मिल लेगा भाई यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ये कितना सेंटीमीटर है ये आपके पास है ये आपके पास है वन पॉइंट थ्री फाइव सेंटीमीटर ना तो वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन करूंगा वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन तो ये मुझे मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन थ्री फाइव जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस आर एस आर कितना है भाई आपके पास ये आर एस है फोर थर्टी ठीक है मतलब जीरो पॉइंट फोर थ्री इसका स्क्वायर करूंगा डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर थ्री तो ये मुझे मिल जाएगा कितना जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फोर टू फोर टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो पैरल टू क्या टू एस होने वाला है सिंपल सी बात है. और इसके की बात करूं जीरो पॉइंट जीरो को मैं सेंटीमीटर पे चेंज करूंगा तो वन मीटर पर सेकेंड टू फोर सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट जीरो फोर टू को कितना हो जाएगा इंटू फोर कर दूंगा सिंपल सा तो मुझे मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स एट सेंटीमीटर जीरो पॉइंट वन सिक्स एट सेंटीमीटर ये लाइन बनने वाला है भाई किसके पैरल ये एस आर के पैरल बनने वाला है और इसके सेंस की बात करूं तो आर की तरफ जाने वाला है तो मैं इसके पैरल एक लाइन बनाऊंगा जो कि आर वन से पास हो जो कि आर वन से पास हो और उसके लेंथ की बात करूं तो वो जीरो पॉइंट वन सिक्स सेंटीमीटर होने वाला है ध्यान देना बेटा ना जीरो पॉइंट वन सिक्स मतलब 0.2 से भी कम तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलने वाला है यहीं पर ये वाला पॉइंट ना ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा सिंपल सा sr पॉइंट होगा ध्यान देना sr पॉइंट होगा ठीक है sr पॉइंट मुझे मिल गया अब बात करते हैं भाई अब बात करते हैं इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की टेंजेंशियल कंपोनेंट की मैं बात करूं at sr की बात कर रहा हूं यहां पर तो इक्वल टू क्या होगा अल्फा कैपिटल एस कैपिटल आर फिर से मुझे अल्फा की वैल्यू पता नहीं तो ये वैल्यू मुझे पता नहीं ठीक है लेकिन इसका मुझे डायरेक्शन पता है क्या परपेंडिकुलर टू एस आर होने वाला है परपेंडिकुलर टू एस आर होने वाला है तो सिंपल से मैं एक काम करूंगा परपेंडिकुलर टू एस आर में एक लाइन बना दूंगा जो ये एस आर से पास हो ठीक है परपेंडिकुलर टू एस आर एक लाइन बनाऊंगा जो कि ये वाला एस आर पॉइंट से पास हो तो ये वाला मेरा लाइन बन जाएगा ठीक है ये वाला लाइन बन जाएगा जहां पर मुझे S1 पॉइंट मिलने वाला है जहां पर मुझे S1 पॉइंट मिलने वाला है अब बात करते हैं आगे ना अब बात करते हैं आगे और बात करेंगे भाई कि S का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू G बात करने वाला है मतलब कैसा एक्सेलरेशन A एस जी की बात करने वाला हूं तो इसका तो सिंपल सा कोई कंपोनेंट अपोनेट नहीं आने वाला है क्योंकि ये सिंपल सा लीनियर एक्सिलेशन है लीनियर है और मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है ये टू लाइन होने वाला है जिस पर ये स्लाइड कर रहा है ठीक है पैरल टू होरिजेंटल लाइन जिस पर ये स्लाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है मैं एक काम करूंगा कि भाई पैरल टू वो होरिजेंटल लाइन में बना लूंगा जो कि जीवन पॉइंट से पास हो ठीक है जीवन पॉइंट से पास हो ये मैं बना लूंगा ये रहा जीवन और यहां से मैं इस लाइन के पैरल एक लाइन बना लूंगा जिस लाइन पर मुझे एस वन पॉइंट मिलने वाला है और ध्यान देना बेटा इस वाले लाइन पर भी पॉइंट और इस वाले लाइन पर भी एस वन पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मेरा क्या होगा एस वन पॉइंट होगा ठीक है बेटा एस वन पॉइंट होगा इस तरीके से मैंने कंप्लीट एक्सेलरेशन डायग्राम यहां पर बना लिया है ये मेरा क्या है एक्सेलरेशन डायग्राम है अब आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्या क्या आपको पूछा गया है उस उसको अपन निकालने की कोशिश करते हैं मैं मैं एक पेज ले लेता हूं जिस पर क्वेश्चन बनाऊंगा ठीक है बेटा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया कि भाई आपके पास एक्सलरेशन आप स्लाइडर एस की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई आपके पास एक्सलरेशन एस विथ रेस्पेक्ट टू जी कितना है सिंपल है बेटा मेजर कर लेता हूं एस जी एस वन जी वन को आ, थोड़ा ध्यान देना बेटा यहां पर S1 की बात करूं और S1 और यहां पर R1 की बात करूं तो आपको एक वेक्टर मिल रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वेक्टर मिल रहा है तो इसको मैं मैच कर लेता हूं यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं तो मुझे मिलता है एक वेक्टर, S1, R1, और यहां पर मैं बात करूं ये जो वैक्टर है आपको ये बता रहा है कि आपके पास एस का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू आर वाला वैक्टर है ठीक है एक्सलरेशन पे S1 A1 को मिलाऊंगा तो ये सिंपल सा मुझे ये बता देगा कि भाई आपके पास जो एस का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू जी कितना है ठीक है वैसे ही मैं बात करूं यहां पर Q1 मैंने A1 को मिला लिया है यहां पर Q1 वन हाँ तो बाकी सब मेरा मैच कर दिया है ठीक है भाई अब बात करते हैं ना तो मैं बात कर रहा हूं मैं S का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू G कितना है तो O1 S1 है ना इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं ये कितना सेंटीमीटर होने वाला है तो ये आपको दिख रहा है आपके पास सिंपल सा वन वन सेंटीमीटर है और मैंने यहां पर स्केल माना है कि भाई वन सेंटीमीटर को टू कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे जीरो पॉइंट टू फाइव से तो सिंपल सा मुझे जो यूनिट मिलने वाला है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मिल जाएगा तो वन पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव मतलब कितना जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू सेवन फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया ठीक है सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं सेकेंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है आपके पास क्या कि आपको निकालना है क्या अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ किसका AR का ठीक है ए आर का आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसके लिए मैं काम करूंगा जो ए आर का है ए आर कहां पर है भाई यहां पर ध्यान देना ए यहां पर है आर है यहां पर है तो सिंपल सा इसका एक्सिले एंगुलर एक्सिलेशन वही होगा जो ए क्यू का है ठीक है है ए क्यू का तो मैं क्यू ए वाला चले जाता हूँ वाला ये है इसके टेंजेंशियल पे मैं चले जाता हूं तो ए ए ए टी टी क्यू क्यू इक्वल टू कितना है अल्फा इंटू कैपिटल क्यू कैपिटल ए है ठीक है बेटा अल्फा इंटू कैपिटल क्यू कैपिटल ए है और ए टी क्यू को मैं क्यू ए को मैं मेजर कर लेता हूं मतलब मैं किसको लेंथ को मेजर करने वाला हूं ध्यान देना

यहां से मुझे अल्फा ए आर मिल जाएगा ठीक है कैलकुलेट कर लेता हूं मैं 1.1, पॉइंट सेवन इंटू जीरो स्क्वायर, ठीक है बेटा ये मुझे मिल गया अल्फा ए आर मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए आर सेकेंड में पूछा गया है कि आपको निकालना है अल्फा क्या आर एस ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अल्फा आर एस इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं देख लूंगा एस पॉइंट का एक्सलरेशन विध रेस्पेक्ट टू आर का टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट ठीक है टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट जिसमें मुझे पता है क्या है आपके पास है क्या एस आर इक्वल टू क्या अल्फा इन टू एस आर तो मैं काम करूंगा ये वाला जो कंपोनेंट है ना बेटा ध्यान देना यहां पर ये वाला ये वाला कंपोनेंट क्या है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है ठीक है टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला और इसको मैं मेजर कर लूंगा कितना सेंटीमीटर है उसके हिसाब से मैं यहां पर निकाल लूंगा ये है आपके पास 1.1 सेंटीमीटर ये है कितना 1.1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या कर दूंगा मैं 0.25 इक्वल टू क्या अल्फा निकल जाएगा यहां से इनटू sr की वैल्यू मुझे पता है कितना है भाई आपके पास 0.43 मिलीमीटर mm, मतलब 0.43 मीटर तो यहां से आराम से आप अल्फा निकाल लोगे अल्फा इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 1.1 इनटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.43 कैलकुलेट कर लेता हूं मैं 1.1 इनटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.43 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये कितना 0.63 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ठीक है इस तरीके से मैंने तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लिया सॉरी दोनों क्वेश्चन सोल्व किया दो के दो पार्ट थे ए और बी मैंने वो दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए आई होप आप सबको समझ आया होगा कि कैसे मैंने स्पेस डायग्राम बनाया वेलोसिटी डायग्राम बनाया एक्सिलेशन डायग्राम बनाया और एक्सलेरेशन डायग्राम की हेल्प से मैंने तीनों क्वेश्चन हेल्प सॉल्व कर लिया ठीक है बेटा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू